हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज GGU से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आई है और कब आएगी सेकेंड लिस्ट, इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिएगा आप यहाँ पे डेट, ये 12/10/2020 को रिलीज़ हुआ है, यानी कि आज। इन द रेफरेंस टू यूनिवर्सिटी ये सब कुछ लिखा हुआ है। हम ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अ कैश काउंटर एट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग will be open to facilitate the student to deposit their admission fees only besides other option available such as bank challan and online fee deposit. After the extended last date for admission, that is 12/10 in UG, the head of the department will update the category wise vacant position and notify the vacant position and accordingly notify the second list of candidate in order of merit on the university website and department display board, and if possible will inform students individually through email, WhatsApp message on 13th. Positively, candidate whose name appear in the second list will be allowed to deposit fees by 15/10. सबसे पहले यही न्यूज़ थी। आज मुझसे कमेंट में स्टूडेंट्स ने पूछा भी था, मैम GGU की लिस्ट क्या हुआ? तो आज ये अपडेट आ चुका है। आप लोगों को जो जानना था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है आप लोगों को। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 तारीख यानी कि कल आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आज या कल डिस्प्ले हो जाएगा और आप लोग को इंडिविजुअली मैसेज भी जाएगा व्हाट्सअप मेल या ईमेल के थ्रू कि आप लोग सेकेंड लिस्ट में आपका नाम है और एडमिशन आपको 15 तक लेना होगा। अब आगे देखते हैं। द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट एंड थर्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन विल बी नोटिफाई ऑन 16/10। द लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस विल बी 20/10। तो देखिए, थर्ड लिस्ट अगर आने के चांसेस रहते हैं तो क्या होगा कि आपको 16 तक बताया जाएगा और 20 तक आपको एडमिशन लेना होगा। इफ़ एवर आफ्टर थर्ड लिस्ट ऑफ एडमिशन एनी ऑफ द सीट रिमेन वैकेंट इन एनी कोर्स, देन फाइनल काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट मे बी कन्वेक्ट बाय रिस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड सो एज टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन बाय 30/10/2020। द फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर ऑन 31st। दैट HOD विल कंडक्ट ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ UG प्रोग्राम ऑफ देयर डिपार्टमेंट अंडर सस्पेंशन under supervision of respective deans and take necessary action accordingly. Transfer application provision will be also be implemented as notified earlier. तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि अब आप लोगों की लिस्ट आएगी मैरिड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट आज और कल में वेबसाइट पे। तो वेबसाइट चेक करते रहिए, आपको मेल व्हाट्सएप मैसेज भी आ सकता है कंसर्न उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया। 15 तक आपको एडमिशन लेना होगा। सेम इसी तरीके से थर्ड लिस्ट आएगी 16 तारीख तक और फिर 20 तक आपको एडमिशन लेना होगा। अगर थर्ड लिस्ट के बाद लगता है कि और भी सीट्स खाली रह गई हैं तो उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और वो प्रोसेस आपको यहाँ पे GGU ने बता दिया है कि 30 तक कम्प्लीट करना है और फाइनल लिस्ट 31 अक्टूबर को डिक्लेयर करना है एट एनी कॉस्ट। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग ऑफ UG कोर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब कुछ सारी चीज़ें होंगी अगर लगती हैं तो। लेकिन थर्ड काउंसलिंग तक मैक्सिमम माना जा रहा है कि सीट भर जाएंगी, अगर नहीं भरती हैं तो भी सारा कुछ प्रोसेस जो है 30 तारीख तक कंप्लीट करना है और 31st को GGU ने सारे डिपार्टमेंट को कहा है कि वो फाइनल लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे डाल देंगे। तो जैसे कि आज जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था उन्हें ये अपडेट मिल गया होगा, तो आप लोग अब वेबसाइट चेक करते रहिए आज या कल। हो सकता है अभी वेबसाइट में आ भी गया हो, आप देखें चेक करें। मेल आप लोगों को जाएगा कल, ये कहा गया है इस नोटिस पे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं एक चीज़ जो मैंने वीडियो में बताया था, UGC काउंसलिंग UGC जो है उसने एडवाइस दिया है
कि आप लोगों को सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को कि आप उनको एडमिशन 31st या 30 तक कंप्लीट करा लेना है, और उसके बाद कॉलेजेस 1st नवंबर या 18th नवंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। बट जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था 1st नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो जाए आपकी नेक्स्ट डे से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट। सो बी प्रिपेयर, और जिन्हें भी डाउट है उन कुछ भी, तो आप वेबसाइट विजिट करिए, या फिर जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की जो लिस्ट आई थी उसमें HOD सर एंड वहाँ पे फैकल्टीज़ के नंबर दिए हुए हैं, उसमें कॉल करके पूछिए, और वेबसाइट कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए, क्योंकि अब सेकेंड और थर्ड लिस्ट जो भी है वो बहुत जल्दी जल्दी आएगी, और एडमिशन फी डिपॉजिट बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको करना है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।